अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और ये है ट्योरा क्रोला ऑल्टिस एक्स 1.6 2021 मॉडल। ये ट्योरा क्रोला की 11 जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2017 में। 2021 में इस गाड़ी का एक और माइनर फेसलिफ्ट आया है जिसमें इस गाड़ी के बंपर के साथ एक्सटेंशन ऐड कर दी गई है और उसके अलावा ग्रैंडी के अंदर एक कलर टोन ऑफर कर दी गई है ब्लैक वाली, जो कि 20,000 एक्स्ट्रा पे करके ले सकते हैं आप। 34-35 लाख में ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि पाकिस्तान में रिसेंटली गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। ग्रैंडी और सिविक एक्स जो है वो 40 लाख तक चली गई हैं और उसके अलावा बाकी गाड़ियाँ भी इवन यारिस वगैरह 32-33 लाख की हो गई हैं। इवन सिटी भी 33-34 लाख की हो गई है। तो मेरे ख्याल से क्रोला ऑल्टिस 1.6 जो है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसकी प्राइस 34 लाख समथिंग है और 34 लाख में ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि एक तो ये प्रॉपर डिगी वाली कार है यानी सी सेगमेंट की सेडान और साइज में ये सिटी वगैरह से बड़ी है। पाकिस्तान में रिसेंटली एक और गाड़ी आई है किया सोनिक, जो कि मेरे ख्याल में अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करती क्योंकि उस गाड़ी की जो बॉडी साइज है वो ऑलमोस्ट हैचबैक है। ये गाड़ी एक प्रॉपर डिगी वाली कार है, प्लस इस गाड़ी की ड्राइव, रीसेल वैल्यू, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और उसके अलावा कम्फर्ट ये बहुत मज़ेदार है। इसमें कोई ज़्यादा फ्रिल्स वगैरह यूज़ नहीं की गई लेकिन इस गाड़ी की जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो इसमें पूरी हैं। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान में एक फैमिली के लिए। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये टोयोटा क्रोला 11 जनरेशन का सेकंड फेसलिफ्ट है। इसको दो बार फेसलिफ्ट किया गया था। 2015 में इस गाड़ी की लाइट्स थोड़ी डिफरेंट आती थी। 2017 में जब इसको फेसलिफ्ट किया गया तो इसकी हेडलाइट्स को पतला कर दिया गया और इसकी ग्रिल छोटी कर दी गई। और जब 2021 में इसकी लुक को दोबारा रिफ्रेश किया गया है तो इसके अंदर बम्पर में ये साइड स्कर्ट्स ऐड कर दी गई हैं। अब इसमें ये साइड स्कर्ट्स आती हैं और बम्पर में क्रोम ज़्यादा यूज़ किया गया है। प्लस इसकी जो फ्रंट ग्रिल है इसको भी ग्लॉस ब्लैक कर दिया गया है और अब ये एक्सियो वगैरह जैसी लुक देती है इस गाड़ी को। वेड्स, एक्सियो, फील्डर उनमें इस तरह ग्रिल आती है और अब इस गाड़ी में भी वैसी ग्रिल दे दी गई है। खैर मेरे ख्याल से ये लुक इस गाड़ी की काफ़ी स्पोर्टी लगती है। इस गाड़ी के लुक से जो एक चीज़ आउट जा रही है वो थोड़े से टायर्स हैं। इसके टायर्स इसमें छोटे आते हैं, अगर आप इसमें कोई बड़े रिम इंस्टॉल करते हैं तो इसकी लुक काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट में इसके दो पॉइंट्स आते हैं बीम और लुक के लिए अलग-अलग। और इसमें जो पार्किंग दी गई है ये LED वाली है और इसमें इंडिकेटर भी हेडलाइट के अंदर ही माउंटेड आता है। ऑल्टिस 1.6 में कोई DRL वगैरह नहीं आती और इस गाड़ी में फॉग भी नहीं आती। फॉग अब हर दूसरी गाड़ी में आ रही होती हैं इवन छोटी कार्स में भी, लेकिन ऑल्टिस के अंदर टोयोटा ने नहीं दी। इसका जो स्पेशल एडिशन वर्जन है उसमें भी फॉग नहीं आती, जबकि इसके अंदर हेडलाइट्स बायज़नॉन वाली आती हैं और उनमें DRL भी आती है। और ऑल्टिस 1.6 के अंदर यहाँ पे कोई कैमरा नहीं आता फ्रंट कैमरा, ग्रैंडी के अंदर कैमरा भी आता है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की सिंपल सी है। इसमें कोई ज़्यादा एग्रेसिव करेक्टर लाइन्स वगैरह यूज़ नहीं की गई, जस्ट इसमें एक माइनर सी करेक्टर लाइन आती है जो कि फ्रंट फेंडर से टेल लाइट के अंदर तक कंटिन्यू करती है। और उसके अलावा इसमें कोई डोर हैंडल में क्रोम नहीं आता, जो कि इस गाड़ी के सिर्फ ग्रैंडी वर्जन के अंदर ऑफर होता है। इस गाड़ी के अंदर साइड स्कर्ट्स भी ऐड कर दी गई हैं 2017 से ऑनवर्ड। 2014 से 17 तक जो गाड़ी आई है उसके अंदर साइड स्कर्ट्स नहीं थी, इवन ग्रैंडी के अंदर भी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन अभी टोयोटा ने दोबारा कंटिन्यू कर ली है और ये इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड करती हैं कंप्लीट सा। और इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की, तो साइड मिरर इस गाड़ी के सिंपल से हैं और हर टोयोटा जैसे हैं। ऐसे ही साइड मिरर वेड्स, एक्सियो वगैरह के अंदर भी आते हैं और इनमें कोई खास फीचर्स नहीं दिए गए, ये जस्ट एडजस्टेबल हैं और इनके अंदर इंडिकेटर आते हैं। इनमें कोई रिट्रेक्टेबल, हीटेड या ऑटो वाला फीचर नहीं आता। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये इसका रेयर लुक है। इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये 2017 में चेंज कर दी गई थी और अब ये टेल लाइट्स मेरे ख्याल से पिछले टेल लाइट से बहुत बेहतर लगती हैं। 2014 से 17 तक जो टेल लाइट्स आई थी वो काफ़ी खाली खाली थी, उनके अंदर थोड़ी सी LED दी गई थी और बाकी उनमें बहुत बड़ा सारा पोर्शन खाली होता था फॉग का। इस गाड़ी में एक प्रॉपर LED लाइट दी गई है, रनिंग वाली लावा लाइट, और उसमें जो ब्रेक की लाइट्स हैं ये LED दी गई हैं इसके अंदर इंडिविजुअल। ऊपर इस गाड़ी में इंडिकेटर और रिवर्स लैंप आता है जो कि हेलोजन वाले हैं और बाकी इसकी जो क्रोम की फ्रिल है ये इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर से होती हुई दूसरी टेलर तक कंटिन्यू करती है और इसको काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। बाकी नीचे आप ऊपर ECD की बैजिंग दी गई है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के बम्पर की, तो बम्पर भी इसका 2021 में चेंज कर दिया गया था। 2021 में जो एक्स वर्जन आया है इसका, उसमें इस गाड़ी के बम्पर के नीचे एक्सटेंशन ऐड कर दी गई है और उसमें एक ब्लैक कलर का डिफ्यूजर टाइप का एरिया दे दिया गया है जो कि पहले नहीं आता था। और अब इस गाड़ी की बम्पर की लुक काफ़ी बल्कि है और ये बॉडी से काफ़ी बाहर जा रहे हैं। अगर टायर्स के लिहाज से देखा जाए तो भी ये काफ़ी बाहर तक आ रहे हैं और मेरे ख्याल से अगर आप इसमें कोई आफ्टर मार्केट रिम्स लेकर इंस्टॉल करवाएंगे तो इस गाड़ी की लुक काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ट्रंक ओपन करने के लिए इस गाड़ी में दो तरीके आते हैं, एक केबिन के अंदर से और एक की फॉब से। इसमें कोई बैक में यहाँ पे बटन नहीं दिया गया ट्रंक अनलॉक करने के लिए। बैक में यहाँ पे इस पर एक बैकअप कैमरा आता है जो कि आपको रिवर्स करने में काफ़ी हेल्प करता है। और ट्रंक अनलॉक करने के लिए की फॉब पे एक ट्रंक अनलॉकर दिया गया है जिसको दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी लाइक दिस। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये मेरे ओपिनियन में काफ़ी स्पेशियस है, लेकिन इसके बारे में एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ये ट्रंक यार्ड से थोड़ी सी छोटी है। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी 470 लीटर्स की है और यार्ड्स का ट्रंक कंपैरेटिवली इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुला होता है। इसमें यहाँ पे मैट्स वगैरह दिए गए हैं इस गाड़ी के और इसकी सीट्स फोल्डेबल नहीं है और ना ही स्प्लिट में है,
ग्रैंडी की सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ आती हैं, उनको फोल्ड करके आप इस कार की ट्रंक कैपेसिटी को और ज़्यादा खुला बना सकते हैं। सीट्स वाला फीचर ग्रैंडी के अलावा और किसी वर्जन में नहीं आता क्रोला के। बाकी नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में योकोहामा का आता है जो कि अच्छा टायर है, और बाकी यहाँ पर इसकी टूल किट दी गई है और इसकी ट्रंक के अंदर भी पैडिंग दी गई है जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का बस ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा मजे का नहीं है। और अगर पिछले जनरेशन से कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी कंपैरेटिवली इंटीरियर के लिहाज से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। इस तरह से कि इसका डैशबोर्ड आपको देखने में लगता है कि बिल्कुल आपके ऊपर चढ़ा हुआ है। पिछले जनरेशन में ये काफ़ी खुला था और इसकी लुक काफ़ी यूज जाती थी, जबकि अब इस गाड़ी में ये थोड़ा सा ना बहुत स्ट्रेट कर दिया गया था। और इसके अलावा इस गाड़ी में अब एक और कलर टोन भी ऑफर हो गई है ग्रैंडी के अंदर, फुल ब्लैक की। इसका इंटीरियर टू टोन में है, ब्लैक और वाइट के। ग्रैंडी में अब ये सिंगल टोन में आता है जो कि थोड़ा प्रीमियम फीचर है, और आप उसको 20,000 एक्स्ट्रा देकर ले सकते हैं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3-स्पोक है, सेम ही स्टीयरिंग अब यारिस के अंदर भी आता है और वो स्टीयरिंग भी क्रोला से ही आ रहा है। बेसिकली लेफ्ट स्पोक के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी के एमोलेड डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का सिंपल सा है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं दी गई। जस्ट इसके फॉन्ट्स चेंज कर दिए गए थे 2017 फेसलिफ्ट में, 2017 तक जो मीटर आता था वो थोड़ा डिफरेंट होता था। बाकी इसमें 2 मीटर डाल दिए गए हैं, स्पीडोमीटर, RPM, और इनके साथ नीचे फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज दिए गए हैं। मीटर में यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि काफ़ी फीचर रिच है। यह आपको इस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन शो करवाता है, जैसे कि एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप्स, गाड़ी के मैसेजेस वगैरह, और उसके अलावा इस गाड़ी की बहुत सारी डिफरेंट सेटिंग्स जिनको आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग बहुत नॉर्मल सी है, इसमें कि क्रोम या ज़्यादा फ्रिज वगैरह यूज़ नहीं की गई। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा है, इसमें 2 डिफरेंट टोन्स यूज़ की गई हैं, ब्लैक और वाइट की। अगर बात की जाए इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, तो इसका डैशबोर्ड मोस्टली प्लास्टिक है, लेकिन कंपैरेटिवली ये चीप नहीं लगता है इतना। इसकी जो फिनिश है ये अच्छी है, ये लेदर की फिनिश में है लेकिन है प्लास्टिक की। बाकी इसमें जो एयर वेंट्स वाला एरिया है, ये कुछ टाइम बाद यहाँ से कुछ गाड़ियों में खुल जाता है, और ये एक थोड़ी सी अजीब चीज़ है। एयरबैग्स इस गाड़ी में टोटल 4 ही आते हैं, चारों ही डैशबोर्ड में। बैक पे इसमें कोई एयरबैग्स नहीं आते, इवन ग्रैंडी में भी। सेंटर में यहाँ पे एक स्क्रीन दी गई है जो कि 9 इंचेस की है। ये मल्टीमीडिया पैनल अल्पाइन का है और ये काफ़ी इंट्रेक्टिव है, लेकिन कंपेरेटिवली इसमें फीचर्स जो हैं ये ग्रैंडी से थोड़े कम आते हैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले नहीं आता, लेकिन इसमें ब्लूटूथ, रेडियो, नेविगेशन, ऑक्स, इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। जैसे इसमें DVD नहीं डलती, और वो मेरे ख्याल से थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई है। और ये वाला पैनल जो है इसका, ये पैनल ब्लैक की फिनिश में है, ये 2017 में चेंज किया गया था। 2017 से पहले इसकी लुक थोड़ी डिफरेंट थी। साथ ही यहाँ पे हेडलाइट का बटन दिया गया है, और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक सा है, इसमें कोई ऑटो वाला फीचर नहीं आता। ऑल्टस 1.6 के अंदर एक स्पेशल एडिशन वर्जन आया है 2021 में, उसमें क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक दिया गया है जो कि 1.6 में है और ग्रैंडी वाला फीचर है। और इस गाड़ी में क्योंकि इस गाड़ी का सिंपल वर्जन है, तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल बिल्कुल नॉर्मल सा है। इसमें 3 नॉब्स दिए गए हैं जो कि हर गाड़ी में होते हैं बेसिक से, और उससे नीचे यहाँ पे एक ब्लैक स्विच दिया गया है, साथ ऑक्स इनपुट और USB इनपुट दिया गया है, और साथ यहाँ पे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। उससे नीचे की स्टोरेज पॉकेट आती है, और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर भी इस गाड़ी का काफ़ी सिंपल सा है, और ग्रैंडी में भी सेम टू सेम वैसे गियर लेवर आता है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है PRND 3, 2 और L। L मींस लोड, और लोड में करके आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं, गाड़ी हाई गियर्स में नहीं जाएगी और पावर में ही रहेगी। बाकी इनसे आप ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, अगर आप इसको 3 में कर देंगे तो गाड़ी 4 से डायरेक्ट 3 में आ जाएगी। इस गाड़ी का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इस गाड़ी में ट्रांसमिशन 4 स्पीड आती है, CVT नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल में अगर CVT होती तो बहुत अच्छी बात थी। 4 स्पीड ट्रांसमिशन इस गाड़ी का RPM काफ़ी हाई रखती है हाई स्पीड्स पे, जो कि थोड़ा ड्रॉबैक है। खैर, उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की हैंडब्रेक दी गई है जो कि नॉर्मल सी है, साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का स्टोरेज कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी स्पेशियस है एज़ कम्पेयर टू यारिस या सिटी या चेंगन, क्योंकि ये गाड़ी साइज़ में उनसे बड़ी है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ऑल्टस 1.6 में सीट फैब्रिक की फिनिश में आती हैं, इनमें कोई लेदर वाला ऑप्शन नहीं आता, ना ही स्पेशल एडिशन में। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की डोर पैनल्स की, तो डोर पैनल्स गाड़ी के सेम टू सेम वही हैं जो कि पहले ऑल्टस में आते थे, इनमें फैब्रिक आता है, और ये 2014 से अब तक सेम ही आ रहे हैं। स्पीकर इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, तो डोर्स में 2 बैक पर और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर ड्राइवर सेट पर दिए गए हैं। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली आती है, और बाकी तीनों विंडोज़ नॉर्मल है। सिंगल टैप मीन्स आप सिंगल टैप से इसको फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं। और उसमें भी एक क्वर्क है वही, और वो ये है कि अगर मैंने चाबी निकाली भी हुई है तब भी इस गाड़ी की विंडोज़ ऑपरेट होंगी जब तक ड्राइवर का डोर खुल नहीं जाता। ड्राइवर का डोर एक दफ़ा खुल गया तो अभी विंडोज़ ऑपरेट नहीं होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर्स जो हैं ये जस्ट एडजस्टेबल हैं, और इसके कंट्रोल्स यहाँ पे आगे दिए गए हैं। ये साइड मिरर डिटेक्टेबल नहीं है, यानी कि आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं, जहाँ पर आप कुछ आफ्टर मार्केट लगवाते हैं तो उनका बटन यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि फॉग,
इस गाड़ी में फॉग नहीं आती तो उसका बटन यहाँ पे लगवा सकते हैं। और ये इस गाड़ी की फिजिकल की, जो कि इस की होल में जाके आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई पुश स्टार्ट नहीं आता, ना ही ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ना ही स्पोर्ट मोड आता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इस गाड़ी में यहाँ पे आता होता है ग्रैंडी में, और स्पोर्ट मोड के बटन यहाँ पे आते होते हैं जो कि इसमें ब्लैंक स्विचेस हैं। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर के लिए नहीं आता, सिर्फ पैसेंजर के लिए आता है विद अ ग्लास। और उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इसकी दो कैमरा लाइट्स दी गई हैं, और उसका रेयर व्यू मिरर भी नॉर्मल सा है। एक और चीज़ जो अच्छी है इस गाड़ी में वो ये है कि इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये टेलीस्कोपिक है। आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। कुछ गाड़ियों में ये आगे पीछे नहीं होता, जस्ट ऊपर नीचे होता है, इसमें टेलीस्कोपिक आता है। स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की हेडलाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट्स इस गाड़ी में सिंपल सी आती हैं, इनमें कोई ऑटो कंफ्यूजन नहीं है और ना ही इनमें फॉग आती है। ग्रैंडी के अंदर यहाँ पे फॉग भी आती होती है जिसका कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं है क्योंकि इसमें फॉग ही नहीं है। और बाकी लेफ्ट पे यहाँ पे इस गाड़ी के रेयर विंडशील वॉशर कंट्रोल दिए गए हैं जो कि अगेन सिंपल से हैं। इसमें विंडशील वॉशर भी रेन सेंसिंग नहीं आते, ग्रैंडी में आते होते हैं। और ऑल्टस 1.6 में ड्राइवर की सीट टू वे एडजस्टेबल है। इस गाड़ी की सीट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी हाइड्रोलिक की हेल्प से। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी मेरे पास इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे मेरे पास लेगरूम भी काफ़ी ज़्यादा है, ड्राइवर की सीट को मैंने मैक्सिमम पीछे किया हुआ है और स्टिल मेरे पास यहाँ पे इतना लेगरूम बाकी है जो ये काफ़ी ज़्यादा है। और हेडरूम का भी मेरे पास इस गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं है। प्लस इस गाड़ी के अंदर सनरूफ भी नहीं है तो इसमें जो हेडरूम यहाँ पे सारा एक जैसा ही है, यहाँ मतलब कि यहाँ से कम नहीं है, ग्रैंडी में यहाँ से थोड़ा सा नीचे होता है हेडरूम। खैर बैक पे यहाँ पे तीन लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी चौड़ाई में भी ठीक है। सेंटर में यहाँ पे इसमें सेंटर कंसोल आता है जिसको खोल के आप इस गाड़ी के अंदर से एक आर्मरेस्ट और इसमें से दो कप होल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे तीन हेडरेस्ट आते हैं, तीन रेयर पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स आती हैं। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट्स भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो ऑल्टस 1.6 में 1600cc इंजन आता है। ये इंजन 1ZR-FE है जो कि 1598cc इन 9.4 सिलेंडर है और डुअल VDI है। ये कार 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 153 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो कि काफ़ी अच्छा है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। इस बॉडी साइज़ में पहले 1300cc इंजन भी आते थे और वो इंजन कंपैरेटिवली इससे काफ़ी स्लगिश थे और लोगों को थोड़े अंडर पावर फील भी होते थे। तो ये गाड़ी इस बॉडी साइज़ के लिहाज से ये इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है इस गाड़ी में। लेकिन जो इसका एक ड्रॉबैक है वो ये कि इसमें ट्रांसमिशन जो है ये CVT नहीं आती बल्कि 4-speed है। 4-speed होने की वजह से ये गाड़ी हाईवेज पे या लॉन्ग रूट्स पे काफ़ी ज़्यादा शोर करती है और फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो अगर इस गाड़ी में ट्रांसमिशन CVT आती तो ये गाड़ी फुल पैकेज होती। खैर ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो ये गाड़ी एवरेज के लिहाज से अच्छी है। ये गाड़ी आपको विदिन सिटी 14 तक की एवरेज दे सकती है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है एक प्रॉपर सेडान कार के लिए। और उसके अलावा इस गाड़ी में ABS, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की चीज़ें कंपनी स्टैंडर्ड आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग भी एक अच्छा फीचर है इस गाड़ी का, इस तरह से कि इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती। इस गाड़ी के बोनट के अंदर भी ये इंसुलेशन दी गई है जो कि मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए। साइड पर यहाँ पर डुअल VDI की बैजिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि इसमें इंजन डुअल VDI टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो होता है इस गाड़ी में वो है 205, 55 और 16। इस गाड़ी में 16 इंचज़ का अलॉय व्हील आता है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है ब्लैक और एलुमिनियम के। और ये रिम 2017 में 16 इंचज़ का कर दिया गया था। 17 से पहले इस गाड़ी में ये रिम 15 इंचज़ का आता था। और इसमें जो टायर है वो योकोहामा का एडवान है और ये टायर आपको 30,000 किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड देगा। और उसके अलावा क्रोला में एक और चीज़ जो मज़ेदार है वो ये है कि इसमें फ्रंट और रेयर चारों ही टायर्स में डिस्क ब्रेक आती है जो कि यारिस सिटी वगैरह के अंदर फ्रंट पे डिस्क और बैक पे ड्रम ब्रेक आती है। और फ्यूल टैंक इस गाड़ी में 55 लीटर का आता है जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज आराम से प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये ओपन केबिन के अंदर से होता है, होंडा की तरह नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली ओपन हो या लॉक हो। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे टोयोटा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज और पैनिक बटन आता है। और क्योंकि की इस गाड़ी में फिजिकल आती है तो इसके अंदर की होल आता है जिसमें सेट करके आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू क्रोला ऑल्टस 1.6 2021 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।